Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So इससे पहले वाले वीडियो में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने स्टार्ट कर दिया था. प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन ने दे दी, आप वहां से जाके बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं. सो यहां से आज का हमारा वीडियो रहेगा, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है एक्सपोनशियल ए एक्स का. तो एक्सपोनशियल ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मेट क्या काम मिलेंगे, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फाइनेट एक्सपोनशियल माइनस पी एक्स आएगा, साथ ही हम लिखेंगे एफ एक्स. सो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्सपोनशियल ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये तो वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट आ गया. एक्सपोनशियल यहाँ से a माइनस पी लिख सकते हैं और साथ ही x लिख देंगे dx, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ से बनेगा एक्सपोनशियल a माइनस पी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से a माइनस पी. इंटीग्रेशन की लिमिट हम लगा देंगे जीरो टू इनफाइनाइट. सो जैसे ही यहाँ से हम लिमिट अप्लाई करते हैं अपर लिमिट से, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ से ये फॉर्मेट काम में ले सकते हैं, इसको डिफाइन करना होगा. तो यहाँ से इसमें अगर हम माइनस बाहर कॉमन ले लेते हैं सो p माइनस a आ गया, साथ ही आ जाएगा हमारे पास x डिवाइडेड बाई से हम लिख देते हैं a माइनस p. ये फॉर्मेट आ गया यहाँ से हमारे पास एंड इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट लगा देते हैं. तो जैसे ये इनफाइनाइट रहेगी, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट कैन बी रिटर्न एज हियर जीरो, और जीरो लिमिट होगी तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वन बाई, यहाँ से आ गया हमारे पास यहाँ से वन बाई p माइनस ए आ जाएगा, a माइनस पी है सो लोअर लिमिट है तो माइनस आएगा, माइनस वन बाई ए माइनस पी आर. इसको सिंप्लीफाई करके वन बाई पी माइनस ए राइट आउट कर सकते हैं. सो यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपोनशियल ए एक्स इक्वल टू वन बाई पी माइनस ऑफ ए आर है हमारे पास. तो यहाँ से अब अगर हम पोस्टुलेट्स काम में लिए, सो अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें, हमने यहाँ से एक्सपोनशियल आयोटा ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना हो तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, वन बाई पी माइनस आई ए आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू. सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पी प्लस आई ए से डिवाइडेड बाई पी प्लस आई ए से आ जाएगा हमारे पास. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ये हमारे पास यहाँ से राइट आउट किया जा सकता है पी प्लस आई ए डिवाइडेड बाई आ जाएगा हमारे पास यहाँ से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, जिसको हम सिंप्लीफाई करके यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं p डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया, प्लस में आयोटा इनटू a बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर राइट आउट कर सकते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसको हम कंपेयर कर लें एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा को, हम cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा राइट आउट कर सकते हैं. सो रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लेते हैं, लाइक ये आएगा हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ऑफ ax प्लस आयोटा sin ऑफ ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से अगर कंपेयर करें रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, cos ऑफ ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास रियल पार्ट है राइट हैंड साइड में p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो वैल्यू है. और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ से क्या है, साइन ऑफ ए एक्स, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से राइट आउट किया जा सकता है ए डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सो यहाँ से हमने एक साथ ही एक्सपोनशियल एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, कोस ऑफ ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, साइन ऑफ ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.